काजा जब पीगा आप भय कहमत हरियाणा प्रदेश को, या तो आप इसके साथ गठबंधन तोड़ दो या मंत्री पद से इस्तीफा दे दो। जब आप सरकार की नहीं मान रही, सरकार आपकी, आप दो मुँह या साफ मत बनो। दो मुँह या साफ बनने का दुष्यंत जी ने काम किया, ये हरियाणा प्रदेश की जनता बिल्कुल अच्छी तरह जानती है। लाठीचार्ज हुआ है, क्या कहना है? देखिए, सरपंचों पर लाठीचार्ज हुआ है, बड़ा दुर्भाग्य की बात है। आप सरपंच की बात करो, उन्हें छोड़े कोई नहीं। पहले किसान पीटा, कर्मचारी पीटा, पहलवान पीटा, आज सरपंच पीटे हैं। कल पंचकुला में आपने देखा, महिला सरपंच थी, कहीं उनकी टांग टूट रही है, किसी का हाथ टूट रहा है, किसी पर पानी की बहुत सारा। कम से कम 20 सरपंच तो ऐसे हैं जो बड़ी नाजुक हालात हैं, उनका भगवान का भरोसा है, वो बहुत ज़्यादा चोट लग रही है। और हम इस मैं तो सरकार के खिलाफ विधानसभा में भी कही थी, जब जींद में लाठीचार्ज किया था सरपंचों पर, निंदनीय प्रस्ताव पास करने की मैंने आवाज़ उठाई थी सरकार के खिलाफ, तो सरपंचों पर लाठी बाजी इन्होंने, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है हरियाणा प्रदेश का। तो क्या मांग करते? मैं मांग करता हूँ कि जो सरपंचों का जो अधिकार है वो दे भाई। ये कोई नई मांग नहीं है इनकी, ये तो ये करें जो हमारे अधिकार है, उसके छीनने का काम ना करें। जो पहले 20 लाख की इनकी एक वो थी, 20 लाख तक की गारंटी सरपंच लगा सकता है, इन्होंने अधिकार छीन लिया कि 2 लाख तक ही लगा सकता है सरपंच। ई टेंडरिंग की बात करते हैं, ये ई टेंडरिंग सबसे बड़ा घोटाला अगर कोई है तो ई टेंडरिंग है। और दूसरा, मैं इसको एक और वो दिए थी, मैंने ये भी कहा था भाई, जो ई टेंडरिंग है ये गांव का विकास रोको प्रस्ताव सरकार लेके आई है। मैंने विधानसभा में भी ये शपथ रखा था, ये गाँव का विकास नहीं कराना चाहती सरकार, जे जे पी बीजेपी दोनों। और आपने देखा, बड़ा अचरज की बात है, 1-1.5 साल पहले हमारे जो मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश के दुष्यंत जी, उस विधानसभा में कहा था एक दिन उन्होंने कि मेरा दादा कहा करता कि लोग समझाने तो नहीं समझेंगे, आप भौका लो। वो काम आज दुष्यंत जी कर रहे हैं, भौकाने का काम कर रहे हैं। भाई मंत्री तो जेजेपी का होगा, वो उनके विधायक और उनके जो नेता हैं जय चौटाला जी और दुष्यंत जी कह रहे हैं, अगर सरकार सरपंचों को 20 लाख की पावर दो, भाई कौन देगा? मंत्री तो आप कहा जेजेपी का, आप भय कहमत हरियाणा प्रदेश को, या तो आप इसके साथ गठबंधन तोड़ दो या मंत्री पद से इस्तीफा दे दो। जब आप सरकार की नहीं मान रही, सरकार आपकी, आप दो मुँह या साफ मत बनो। दो मुँह या साफ बनने का दुष्यंत जी ने काम किया, ये हरियाणा प्रदेश की जनता बिल्कुल अच्छी तरह जानती है। इस दबा बड़ा दुर्भाग्य है, आपने देखा 20 दिन पहले जो सेंटर की सरकार है बीजेपी की, उन्होंने एक बात कही कि कानून की पूरे देश की उन्होंने वो करी थी बात, तो हरियाणा प्रदेश कानून व्यवस्था में सबसे अव्वल नंबर पर आ गया, जिसे सबसे खराब हालात है। और ना मैं कह रहा, ना कोई पत्रकार कह रहा, ना कोई हरियाणा प्रदेश की जनता कह रही, जो ही नहीं की सरकार है सेंटर में बीजेपी की, उन्होंने ये बात की है कि हरियाणा प्रदेश की कानून व्यवस्था का पूरे देश में सबसे बुरा हाल है और चरम सीमा पर बुरा हाल है। कानून व्यवस्था ही नहीं इस प्रदेश में, सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं इस प्रदेश में। देखिए, जो आज की मीटिंग है वो जो हमारा पहले भारत जोड़ो यात्रा थी राहुल गांधी जी की, और आपने देखा हरियाणा प्रदेश में जब इतना बड़ा जोश, आपने देखा हरियाणा प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा में, और फिर आपने पानीपत की रैली देखी, तो उसी के दूसरा जो चरण है हाथ से हाथ जोड़ो, जो हमारे 36 बिरादरी नेता चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी और हमारे जो अध्यक्ष उदयभान जी दीपेंद्र हुड्डा जी, उनके आदेश अनुसार जो भारत जोड़ो यात्रा में जो राहुल गांधी जी ने रास्ते में जो भी मिला वर्ग, चाहे वो खिलाड़ी है, किसान है, गरीब है, एससी है, बीसी है, हर वर्ग से, चाहे वकील है, छोटा व्यापारी है, उनसे मिलने के बाद जो जो उन्होंने देखा इस पूरे देश में और प्रदेश में, उन्होंने एक पत्र लिखा, चिट्ठी लिखी है, वो संदेश जो है वो हमने घर घर तक पहुँचाना है, और जो उसका नाम रखा हाथ से हाथ जोड़ो, जो हर घर तक हमने लेके जाना है। इस प्रोग्राम के लिए हमने आज हल्का बरोदा की मीटिंग बुलाई थी, और हमने तय किया कि हम हर गांव में जाएंगे। और आपने देखा कि हमारे 3 ब्लॉक है, बरोदा हल्का की गोहाना से कुलदीप जी इंचार्ज लगाए गए, मुड़दाना से नील जी लगाए गए, और कथूरा से जितेंद्र जांगड़ा जी लगाए गए। हम हर गांव में, हर गांव की चौपाड़ में, हर घर तक जाने का हम काम करेंगे और वो संदेश देंगे। और हम जो हाल फिलहाल की जो सरकार है जेजेपी और बीजेपी, जो ठगबंधन की जो सरकार है, उसने जो इस हरियाणा प्रदेश को प्रति व्यक्ति आय में पीछे धकेलने का काम किया, बेरोजगारी में नंबर 1 लेके जाने का काम किया, शिक्षा में बड़ा आपने देखा बुरा हाल है, कर्मचारी को देखा सरकारी कर्मचारी नहीं रहे,
उपलब्ध इन्हें नौकरी देने का काम कर रही है। और संदेश यही है कि हम सरकार की जो नीतियाँ हैं उनको भी घर घर तक पहुँचाएँ, और जो भारत जोड़ो यात्रा में जो राहुल गांधी जी का पत्र है वो भी हर घर हर हाथ पहुँचाने का हम काम करें। कब से शुरू कर रहे हैं? ये 9 तारीख से हमने शुरुआत की है। पहला प्रोग्राम जिसराणा गाँव का होगा और दूसरा बैसवाड़ गाँव का होगा। पहले दिन हमने 2 गाँव लिए विशेषकर क्योंकि बैसवाड़ बहुत बड़ा गाँव है, जिसराणा भी ठीक ठाक गाँव है, और उसके बाद जैसे जैसे पता चल जाएगा भाई एक दिन में 2-3 गांव जैसे भी होगा वो करेंगे। और फिर दूसरा एक प्रोग्राम और है हमारा हल्का बड़ौदा ने, जब से मैं विधायक बनाया हूँ हमने एक भंडारा रखा था खाना, वो 2 बार कैंसिल हुआ है। वो भी 2 अप्रैल को हमने रखा है भंडारा जो जींद रोड पर महादेव गार्डन है एक बहुत बड़ा, उसमें भी 2 अप्रैल को जो समापन होगा आज से हाथ जोड़ोगा उस दिन एक भंडारा रखा है, मिलन समारोह को आप कुछ भी कह सकते हो, वो भंडारा है भी 2 अप्रैल को हम करने जा रहे हैं, उनका भी साथ साथ हमारे गाँव में नौता दिन। लगातार महंगाई की मार प्रदेश पे बढ़ रही है, बेरोजगारी की बात करते हैं, हरियाणा और बढ़ा आगे बढ़ा है, सिलेंडर के रेट भी 50 रुपये बढ़े तो उसको नहीं कर रहे। देखिए बेरोजगारी में भी नंबर एक पर है हरियाणा प्रदेश, महंगाई की बात करोगे आप, अभी कल ही 50 रुपये सिलेंडर की और बढ़ा दिया, कांग्रेस की सरकार में 325 रुपया सिलेंडर था आज 1100 का सिलेंडर हो गया, और अगर हम दूसरे सिलेंडर की बात करें वो 2100 हो गया। तो महंगाई चरम सीमा पर है, हमने महंगाई के खिलाफ भी जो हादसा जोड़ो में इस प्रोग्राम में महंगाई के बारे में भी बताने का हम काम करेंगे, उस पत्र में भी है महंगाई की भी है बेरोजगारी भी है भ्रष्टाचार। मैं जब से आपके विधायक बना आपने देखा कि हमने 2-3 बार भंडारा रखने का काम किया, लेकिन मैं बड़ा दुर्भाग्य मानूंगा कि वो भंडारा सफल नहीं हुआ, किसी न किसी कारणवश वो कैंसर होता चला गया। पीछे भी जब रखा भंडारा तो जब तीन जो काले कानून लेके आई थी सरकार उनको वापिस लिए लेने का जब काम करा उसी दिन लोकसभा के अंदर भी लेके आए थे वो कैंसर कराने का, उसमें हमारे जो सांसद है ना दीपेंद्र हुड्डा जी उनको वहाँ लोकसभा में जाना पड़ा इसलिए वो कैंसर हुआ। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा भाई अब की बार जो भंडारा है हल्का बड़ौदा का वो 2 अप्रैल को हमें जो जींद रोड पे महादेव गार्डन है नया बनाया बड़ा लंबा चौड़ा महादेव गार्डन जींद रोड पे उसमें भंडारा होगा, उसमें भी आप सब ने जो अपने पूरा हल्का है सभी गांव से हमारे साथी आए हैं, मैं सबसे हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि आप हर घर तक नौता देने का भी काम करेंगे, और नौता नौता इनमें से कोई भी साधन हो हमारी जो